एससी एक्ट में हुए बदलाव के विरोध में 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। अब आरक्षण के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है। इस बंद को लेकर देश के सभी राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को सख्ती बरतने के लिए कहा है। कई राज्यों में भारत बंद के चलते धारा 144 लागू की गई है। बता दें कि ये भारत बंद आरक्षण के विरोध में बुलाया गया है। आरा नगर थाने में आनंद नगर इलाके में बंद समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। इसके अलावा आरा में ही सैकड़ों युवाओं ने पटना पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। बिहार के वैशाली में भी आरक्षण के विरोध में बंद के दौरान कई जगह से प्रदर्शन और जाम की तस्वीरें सामने आई है। वही आरक्षण विरोधियों ने कई जगह पर रेल ट्रैक पर आगजनी कर परिचालन को भी बाधित किया है। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में रविवार से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सहारनपुर में अग्रिम आदेशों तक इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया गया है। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में भारत बंद के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दुकान बंद करवाने के दौरान लोगों ने मोटरसाइकिल पर पथराव किया। इस दौरान लोगों ने तलवारों से हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। राजस्थान में इस बार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं जयपुर में मोबाइल इंटरनेट सुविधा पर रोक लगा दी गई है और शहर में धारा 144 लागू की गई है।